जहां देश भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन मुश्किलों को बढ़ा रहा है, तो वहीं इसी बीच यूपी सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में कोरोना से होने वाले खतरे का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील की गई है हाई कोर्ट की तरफ से। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर कोर्ट ने बयान दिया, अनुरोध भी किया कि चुनावी रैलियों और सभा रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अनुरोध किया गया, टिप्पणी की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनाव टालने के लिए कहा है, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने की ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने दो महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। ये कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है, क्योंकि अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्शन एक दो महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए, इसके लिए वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को। रैलियों में जो भीड़ हो रही है तमाम दलों के, इस पर भी चिंता जाहिर की है। हाँ, इस पर भी चिंता जाहिर की उन्होंने, इसलिए की है कि रैलियों में भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो तो ठीक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, क्योंकि इस टिप्पणी को बहुत गंभीरता से भी लेने की जरूरत है, लगातार रैलियों में जिस तरीके की हम भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डर और खतरा दोनों ही बढ़ते जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई है, चुनाव आयोग से, हाईकोर्ट की तरफ से अनुरोध किया गया है कि हो सके तो चुनाव को टाल दीजिए, रैलियों में जो भीड़ बढ़ रही है उसके लिए भी कड़े नियम लागू कीजिए। क्या इसके इस खबर के बाद, क्योंकि ये खबर कल सामने आई, और इसके बाद क्या कोई रिएक्शन, कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है क्या चुनाव टालने को लेकर? देखिए, आपको साफ तौर पर बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है उसके बाद से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और बहुत मुमकिन है कि चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन एक सुझाव दिया है, अनुरोध किया है, और यही वजह है कि हाई कोर्ट का फैसला आए हुए तकरीबन 12 से 14 घंटे का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ना किसी बड़े नेता ने प्रतिक्रिया दी है, ना किसी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। दरअसल सभी सियासी पार्टियां इस मामले में अपने नफे नुकसान का आकलन कर रही हैं और नफे नुकसान का आकलन करने के बाद इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी करेंगे। अभी देखने वाली बात यह भी होगी कि चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को मंजूर करती है, उस जो अनुरोध किया गया है, जो सुझाव दिया गया है उस पर विचार करती है, या फिर इस फैसले को कहीं चुनौती देती है। हाई कोर्ट में ही स्पेशल अपील दाखिल की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी, इस बारे में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट ने एक बड़े खतरे को लेकर आगाह किया है और अब ये सरकार और चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो चुनाव को टालती है या फिर चुनाव को बिना भीड़ भाड़ के कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए कराए जाने के आदेश देती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश इन दिनों सियासी पारा बेहद गर्म है, रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, रोड शो हो रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं जिनमें हजारों से लेकर लाखों तक की भीड़ उमड़ रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़े खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी इसी बिंदु को लेकर चिंता जताई है और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी और आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, तो देखना होगा कि क्या अहम फैसले, क्या बड़े ऐलान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।